तो ये जो बौद्धिस्ट लॉ है ये कैसे लागू होगा, ये कानून के तहत कैसे सिंप्लीफाई होगा? जी मनोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब ने एक घोषणा करी थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरा नहीं, मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब का, और इसे प्रेरणा लेकर बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की हमारे लोगों को दीक्षा दी। लेकिन जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे 1949 में, उन्होंने संविधान कंप्लीट किया, उस समय बाबा साहब हिंदू थे। बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली वो 1956 में ली, लेकिन इस 6 साल के पीरियड में बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो नहीं किया। बाबा साहब ने को एक लग रहा था कि मैं थोड़ा सा और जीऊँगा, तो वो जो अमेंडमेंट है 45B या 23B में, जिसमें हिंदू धर्म में शामिल किया गया है जैन सिख और बौद्ध धर्म को, आज भी अगर हम लोग देखा जाए, आज बाबा साहब आज हिंदू मरकर पैदा हुए, बाबा साहब ने घोषणा तो करी है कि मैं बौद्ध होकर मरूंगा और दीक्षा भी दी कई लाख लोगों को, लेकिन आज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर संविधान के हिसाब से जो बाबा साहब के द्वारा लिखित है, आज भी बाबा साहब हिंदू है। तो अब बाबा साहब का जो सपना, बाबा साहब ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को सुधार दिया बहुत बड़ी आहुति देकर, अब हमारी ड्यूटी बनती है कि बाबा साहब की जो विचारधारा वो मरने ना पाए, वो कानून के रूप से कैसे आगे बढ़े। तो उसके लिए मुकुंद खेरे जी के नेतृत्व में, अर्चना गौतम जी के नेतृत्व में, वाईडी आनंद है इनके नेतृत्व में, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। उनका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पर एक कमीशन बनाया, वेंकट चलैया, जिन्होंने सीधा कहा है, उनके कमीशन ने 2.5 साल तक काम किया है और बहुत बड़ा विरोध हुआ इस देश में। वो एक ऐसा ब्राह्मण व्यक्ति था जिसने 2.5 साल बिना सैलरी लिए, बिना सरकार की गाड़ी का उपयोग किए, बाबा साहब के संविधान को मरने न देने के लिए, बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म है उसको बचाने के लिए काम किया। और उसने कमीशन के माध्यम से ये बोला कि बौद्ध धर्म को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। उस संवैधानिक मान्यता देने के लिए हम लोगों को अब कानून में ऐसे बदलाव करने चाहिए, क्योंकि कानून में बदलाव का मतलब है, अभी महाबौद्धिक आंदोलन है, लाखों लोग उस आंदोलन को चलाते हैं, लेकिन जब तक के धारा 2 और 3 ये रहेगी तब तक के वहाँ पंडे और ब्राह्मणों का राज रहेगा, उनको हम हटा नहीं सकते। और जो हम लोग धारा 25B की बात कर रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा संशोधन हमने क्या करना है, संविधान में जहाँ हिंदू लिखा हुआ है उसमें 3 वर्ड और जोड़ने हैं, बौद्ध, जैन और सिख। जब हम लोग ये 3 वर्ड जोड़ देंगे तो हर एक धर्म का एक अलग अलग अस्तित्व हो जाएगा। हमारे इस आंदोलन का माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म को पृथक संविधान होना चाहिए, पृथक कानून होना चाहिए और पृथक पहचान होनी चाहिए। जब तक बौद्ध धर्म की पृथक पहचान नहीं होगी तब तक संवैधानिक रूप से बौद्ध धर्म अभी भी हिंदू धर्म में शामिल रहेंगे और बाबा साहब का सपना बौद्ध में बनाने का सपना सपना ही रहेगा। इसलिए जो ये 23 तारीख को जो मुकुंद खेरे की जो आंदोलन नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है, पूरे 23 अप्रैल को जो देशव्यापी आंदोलन है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि बाबा साहब का वो बौद्ध में बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कानून में अमेंडमेंट नहीं होगा। एक छोटा सा अमेंडमेंट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी आदेश जारी कर चुका है, वेंकट चलैया भी आदेश, जो कमीशन है माइनॉरिटी कमीशन, वो भी आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सरकार की मानसिकता क्या है वो उस आदेश पर अमल नहीं करना चाहती। सिर्फ उनको क्या करना है, एक आदेश जारी करना है, सिर्फ एक हिंदू वर्ड के आगे 3 वर्ड जोड़ देने, इससे हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा। इससे हमारा अधिकार मिलने के बाद जो हमारी बौद्ध संस्कृति है, जो हमारी बौद्ध साथी है, शादियाँ हैं, जिसको अभी भी कानूनी रूप से असंवैधानिक कहा जाता है, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है, अगर इस तरह का कानून हमारा बन जाता है तो बौद्ध धर्म भी गौरवान्वित होकर अपनी बात को पूरे देश विदेश में कह सकते हैं।